You know, we make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. नमस्कार, मैं शिवांगी, स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के शुरू किए हुए मिशन को 21 साल बाद जो बाइडेन ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। जी हां, यूएस आर्मी ने 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के सह साजिशकर्ता को और अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी को एक ड्रोन अटैक में मार गिराया है। हमले के मास्टरमाइंड और पूर्व अलकायदा के चीफ को ओसामा बिन लादेन को बराक ओबामा के कार्यकाल में यूएस आर्मी ने 2011 में ही ढेर कर दिया था। अब कौन था जवाहिरी, किन हमलों में रही उसकी भूमिका, कैसे यूएस आर्मी ने ढूंढ निकाला पता, देखिए इस रिपोर्ट में। काबुल के एक सेफ हाउस की बालकनी में आराम फरमा रहे अलकायदा चीफ को इस बात की भनक भी नहीं थी कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है और ये बालकनी उसकी कब्रगाह बनने वाली है। लेकिन ये तो तय है कि जो बोगे वही काटोगे। इजिप्ट का रहने वाला जवाहिरी पेशे से सर्जन था, यानी तालीम थी जान बचाने की, लेकिन वो जान लेने का आदी बन गया। ओसामा से इंस्पायर होकर उसने अलकायदा ज्वाइन किया और 9/11 के हमले में उसने भी अहम भूमिका निभाई थी और उसे ओसामा का दाहिना हाथ भी कहा जाता था। यही वजह थी कि 2011 में जब ओसामा को यूएस आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक में मार गिराया तो जवाहिरी अलकायदा चीफ बन बैठा। अयमान अल जवाहिरी को 1998 में केन्या और तंजानिया में हुए अमेरिकी दूतावासों पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता भी माना जाता है। कहा जाता है कि उसका पहला बड़ा मिशन था जो ओसामा ने उसे हैंडओवर किया था। फिलहाल जॉर्ज बुश से शुरू हुआ मिशन बाइडेन ने पूरा कर दिखाया। अमेरिका ने इस मिशन को अंजाम देने के साथ दिखा दिया है कि उसे विश्व में महाशक्ति क्यों कहा जाता है और संदेश भी दिया है कि अमेरिका के दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, अमेरिका बख्शेगा नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि की और अपने संबोधन में कहा, अब इंसाफ मिला है और आतंकवादियों का सरगना मारा जा चुका है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना वक्त लगता है, चाहे कहीं भी छिप जाओ, जो हमारे लोगों के लिए खतरा है अमेरिका उसे ढूंढ निकालेगा और मार देगा। घटना ने साफ कर दिया है कि सही मायनों में अमेरिका आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस रखने के मामले में दुनिया में आला मुकाम पर है। You know, we make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए डेली इनसाइडर के साथ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।